मैं जगदीश तिवारी, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन के दौरान गरीब प्रवासी मजदूरों और छात्रों से किराया लेने वाले मकान मालिकों के खिलाफ दिल्ली सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इस मामले में आज दिल्ली सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। वहीं आज एक बार फिर से सरकार ने इन नियमों को सख्ताई से लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट ऐसे इलाकों में जागरूकता अभियान भी चलाए जहां मजदूर और छात्र अधिक संख्या में रहते हैं। दरअसल जैसे ही कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो दिल्ली के प्रवासी मजदूरों पर मुसीबत का पहाड़ टूटा पड़ा। दिल्ली में ऐसे मजदूर लाखों की संख्या में हैं जो दिहाड़ी करते हैं। ये लोग रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। ऐसे में इनके पास कोई जमा पूंजी नहीं होती। लॉकडाउन के बाद इन लोगों से इनकी रोजी रोटी छिन गई। ऐसे में इन लोगों के आसपास अपने गांव घर वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये प्रवासी मजदूर भारी संख्या में सड़कों पर निकल आए। कई तो पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर अपने गांव पहुंच भी चुके। सरकार ने ये सब देखा तो इनके रहने खाने की व्यवस्था की, कई स्थानों पर भोजन वितरण केंद्र खोले। इसके साथ ही ये नियम भी बनाया गया कि कोई भी मकान मालिक अपने गरीब मजदूर किराएदार से जबरन किराया वसूली नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों से जबरन किराया वसूलने की शिकायत मिलने पर मकान मालिकों को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे किराएदार जो लॉकडाउन के दौरान मकान का किराया देने में असमर्थ हैं, अगर उनसे ज़बरदस्ती किराया वसूला गया तो मकान मालिकों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकान का किराया देने में असमर्थ गरीब किराएदारों के किराए का भुगतान सरकार करेगी। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के डॉक्टर कोरोना का इलाज खोजने में लगे हैं। इस बीच एक डेली मेल पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें यह कहा गया कि न्यूयॉर्क में कोरोना के मरीजों को ठीक करने के पीछे विटामिन सी की डोज का हाथ है। इस रिपोर्ट की माने तो हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए विटामिन सी का सेवन किया जाता है, जो हम रोज ही अपने भोजन में शामिल करते हैं। ये विटामिन शरीर को बीमारियों से लड़ने के सहायक बनाता है। इसी विटामिन को डॉक्टरों ने अब कोरोना मरीजों पर इस्तेमाल किया है, जिसके परिणाम भी बेहतर मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के दौरान और अगर कोरोना कोई से बचना है तो आपको अपने फेफड़ों को साफ रखने होंगे। अगर आपको जुखाम या कफ है तो फेफड़ों का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वो बताते हैं कि अगर हम अपने फेफड़ों को ठीक रख सकें और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकें तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।